अगर आपको अभी अभी शौक चढ़ा है मोटो व्लॉगिंग करने का, तो आज का वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि हमें अगर सस्ता मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाना हो, एक हेलमेट ऐसा बनाना हो जिसके अंदर की कैमरा लग जाए गोप्रो, तो कैसे बनाएं और कौन सा सेटअप अच्छा होगा, कौन सा सेटअप बुरा होगा। उन्होंने SJ कैम ले रखे हैं या फिर और कोई सस्ते कैम ले रखे हैं, हेलमेट है, लेकिन एक ऐसी असेंबली चाहिए जो कि इस चीज़ को अच्छे से पकड़ के रखे कैमरे को और अच्छे से सेटअप उनका बन सके। तो आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे। सबसे पहला हमें मोटो व्लॉगिंग के लिए क्या चाहिए, एक चाहिए हेलमेट, फुल मास्क, फुल फेस। इसके अंदर क्या होता है फुल फेस हेलमेट में, कि जब आप शीशा बंद कर लेंगे, जो वाइज़र है ये बंद कर लेंगे ना, तो हवा नहीं जाती, हवा का इनटेक नहीं होता। जब हवा का इनटेक नहीं होगा तो विंड ब्लास्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं ये सस्ता सेटअप बता रहा हूँ, उसके बहुत महंगे महंगे सेटअप भी हैं जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स, मोटो व्लॉगर्स यूज़ करते हैं, और अब मैं भी बनाऊँगा महंगा वाला सेटअप। बट उससे पहले मैं सस्ता सेटअप बना के टेस्ट करके अपनी मोटो व्लॉगिंग स्किल को देखना चाहता हूँ। तो ऐसे ही आप भी करना, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं मोटो व्लॉगिंग तो पहले ही बहुत मोटा खर्चा मत कर देना। पहले क्या करना, सस्ते से स्टार्ट करना, सस्ता सेटअप बना के मोटो व्लॉगिंग स्किल्स अपनी, या आप कितनी चीज़ें दिखा सकते हो, कैसे बोल सकते हो, वो चीज़ें टेस्ट कर लेना। क्योंकि ये सेटअप वेटअप काम नहीं आएगा, आपका अच्छा वीडियो काम आएगा YouTube में। तो देखो, ये है एक स्टील बड का नॉर्मल सा, 1500 से 1700 रुपये का मिल जाता है ये हेलमेट। और इसका जो लुक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये देखो चारों तरफ से लुक काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके अंदर ये पोर्ट्स हैं जो विंड के लिए होते हैं कि एयर पास होगी, ऊपर भी है, ऐसे करके ऑन ऑफ हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, हमें कैमरा लगाना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स इस चीज़ से परेशान हैं कि भाई वो ऐसी वाली ये माउंटिंग्स इन हेलमेट्स में लगाते हैं। अब वो लोग MCL लगा रहे हैं इसमें, वो लोग इसके अंदर फेविक्विक लगा रहे हैं, एल्फी लगा रहे हैं, ठीक है। और जो MCL है ना, MCL पहले आपको इस पर लगा के उसका पूरा पूरा बेस बनाओ, फिर MCL को सूखने का मौका दे के फिर इसके ऊपर लगाओ। समझ लो बाई चांस अगर आपका ये वाला जो क्लिप है ये ख़राब हो जाता है, तो आप जब MCL को तोड़ोगे ना तो हेलमेट का पेंट भी छूट जाएगा। और एक बार अगर MCL चिपक गई तो चिपक ही गई, वो छूटने का नहीं है। अगर ये वाला पोर्ट टूट गया तो फिर आपकी कहानी ख़राब। मैंने भी बहुत सारे अटेम्प्ट करे कि GoPro वाले ही मैंने ये लगाए, थोड़े थोड़े दिनों बाद निकल जाते थे, थोड़े थोड़े दिनों बाद निकल जाते थे। क्योंकि ये कैमरे का वेट, इसके अंदर इसका माइक का अडेप्टर का वेट, ये काफ़ी हैवी हो जाता है। उसमें क्या होता है, जब गड्ढा आता है, तो जब गड्ढा आता है ना, तो ये वेट ऐसे गड्ढे से नीचे की तरफ होता है और कैमरा टेढ़ा हो जाता है, गिर जाता है। इसलिए बोलते हैं कि रेस ट्रैक पे या फिर हाई स्पीड के अंदर कैमरे में इस टाइप के माउंट्स यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है आपका या फिर पीछे वाले लोगों का, ठीक है। तो इसके लिए आज एक माउंट, ऐसा माउंट इनोवेटिव, अब मैं दिखाता हूँ कि वो माउंट क्या है। आओ ज़रा जूम करके देख लेते हैं। एक जेनरिक कंपनी है, मेरे पास इसी पैकेट के अंदर आया है, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उससे मैं इम्प्रेस हुआ हूँ काफ़ी। ये रबराइज फॉर्म के अंदर है और अगला वाला हिस्सा जो है एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो GoPro का माउंट होता है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, ये देखो, ये निकल नहीं सकता, इसको कुछ नहीं हो सकता, प्लास्टिक में प्लास्टिक जुड़ा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है। ये ABS प्लास्टिक है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, अगर हार्ड प्लास्टिक होगा ना वो टूट जाएगा। ये देखो, ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है, क्वालिटी है इसकी मेरे हिसाब से बहुत ही उमदा किस्म की, और मुझे काफ़ी पसंद आए ये। क्योंकि इसके अंदर ये जो रबड़ की ग्रिप्स हैं, ये आपके हेलमेट पे ऐसे करके चिपक जाएंगे। अब क्या होता है, बहुत सारे हेलमेट्स में आगे जो चेन होती है ना, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एयर इनटेक के लिए कुछ चीज़ हो गई, कोई और चीज़ लगी होती है, तिकोनापन होता है, तो उसके अंदर हम बहुत सारे हेलमेट्स में तो ये लगा ही नहीं सकते। यहाँ पर ये हेलमेट मैंने इसलिए ढूंढा था क्योंकि पहले मुझे ये लगाना था, बट मैंने सोचा इस बारी मैं कुछ इनोवेटिव करूंगा तो मैंने ये मंगाया। ये वाला जो क्लैंप आप देख रहे हो, ये वाला, ये किसी भी हेलमेट में लग सकता है, कैसे भी लग सकता है, कोई सा भी आगे से डिज़ाइन हो, टेंशन मत लेना, बिंदास होके मंगाना और लगा लेना। ये देखो, ये लगने के बाद कुछ ऐसा सा दिखेगा, यहाँ पर आपका कैमरा माउंट हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, अब इस वाले क्लैंप को अपने हेलमेट में लगाते हैं। ये देखो, सबसे पहले इसको सेंटर पोजिशन पर ऐसे करके रख दो, ऐसे, हमें ये यहाँ चाहिए, हमारा GoPro यहाँ लगेगा तो हमें यहाँ चाहिए। इसमें ना क्या है, ये दो ऐसे करके क्लैंप्स हैं, ये क्लिप्स बोल सकते हैं इसको, ये रिबन बोल सकते हो, जो बेल्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे करके आ जाती हैं, ऐसे।
अब इसमें मेरे को ये वाला जो इसका क्लिप है, बेसिकली ये करना कैसे है मुझे मैं वैसे बता देता हूँ एक बारी। हेलमेट के पीछे से जाके तो दिखेगा नहीं, तो इसको आपको ऐसे करके यहाँ से निकालना है, पहले नीचे से ऐसे करके नीचे से निकाल के, जैसे बेल्ट बांधते थे ना स्कूल की वैसे ही है, और इसको ऐसे करके बंद कर लिया, और फिर इसको यहाँ से निकाल के इसमें से निकाल के इसमें से टाइट कर दिया। ठीक है, तो मैं ये लगाता हूँ जल्दी से, फिर देखते हैं। तो ये हमारा जो क्लैंप है ये लग गया है माउंट, गोप्रो माउंट, और नाइस एंड टाइट, बिल्कुल क्रिस्प फिटिंग के साथ में। ये देखो लगने के बाद ऐसा लगता है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि वाइज़र बंद नहीं हो पाएगा, तो वाइज़र ऐसे करके बंद हो जाएगा, वाइज़र पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा इसका। देखो इससे ज़्यादा वाइज़र बंद भी नहीं होता है हेलमेट्स का, और अगर मामूली सफ़र का आता है तो वो फ़र्क तो आएगा, क्योंकि ये दो रिबन्स ऐसे करके टाइट हो जाएंगे। लेकिन ये गोप्रो माउंट बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है। तो क्या होता है कि हम ये जो वाइज़र होता है ये पूरा तो कभी बंद नहीं करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, क्योंकि गर्मी में हमें अंदर हवा भी चाहिए होती है और सर्दियों में फॉग जम जाता है। जब तक आप एंटी फॉग वाइज़र यूज़ नहीं करते हैं, वो महंगा सेटअप होता है, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। फिलहाल हमारा जो ये वाला माउंट है ये लग गया है, और देखो कितना प्यारा सा लग रहा है, हेलमेट का लुक भी बढ़ा रहा है। अब हमारे पास में क्या आता है, ये है गोप्रो, ये है माइक। अब ये चीज़ें सारी हो गई हैं बेकार, और ये है हाउसिंग। अगर आपके पास गोप्रो 7 है, 7 तक, तब तक आपको ये हाउसिंग यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास गोप्रो 8 आपने ले लिया है तो ये हाउसिंग की ज़रूरत नहीं है, उसकी हाउसिंग गोप्रो की अलग है बिल्कुल, और उसी में माइक के कनेक्शन है। इसके अंदर जो माइक का पोर्ट होता है वो 4000 रुपये का आता है, और बहुत बड़ा सा पोर्ट होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले इसको आपको ऐसे ही लगा के दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास में 8 है तो कैसा सा लुक आएगा। ये देखो इसके अंदर हमें ये वाले स्क्रूज भी मिलते हैं, और ये ऐसे करके रेडी टू फिट है। ये देखो ये गोप्रो लग गया, देख रहे हो ये गोप्रो लग गया। अब गोप्रो के पास कितने एंगल हैं, बस मेरे को वो दिखाना है। अब यहाँ से गोप्रो के पास में मेरे ये वाले एंगल हैं, ये वाले एंगल हैं, मुझे भी दिखता रहेगा कि मैं शूट क्या कर रहा हूँ। ये वाले एंगल हैं, ऐसे ऐसे करके मैं इतना इतना शूट भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे अगर बाइक का कंसोल दिखाना है कि मैं कितनी स्पीड पर चल रहा हूँ, कितने आरपीएम पर चल रहा हूँ, तो मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ। अगर मुझे रोड दिखानी है मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ। तो काफ़ी सारे एंगल्स हैं और काफ़ी बढ़िया इसका लुक है। अब देख लेते हैं कि इसकी हाउसिंग के साथ में ये कैसा लगेगा। अगर आप पुराने टाइप का गोप्रो यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये हाउसिंग ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जो माइक एडेप्टर है वो बहुत ही ऑड सा लगता है, बहुत बेकार सा लगता है। तो ये देखो यहाँ से मैं ये गोप्रो खोलता हूँ, ये मेरे हाथ में आ गया। कैमरा तो इतना सा होता है, बस इसकी हाउसिंग इतनी बड़ी बड़ी सी होती है, क्योंकि इसके साथ में एक माइक एडेप्टर होता है। तो अगर ये इतना अच्छा कैमरा निकाल रहे थे तो उनको यहाँ पर एक छोटा सा स्लॉट दे देना चाहिए था, जिसके अंदर माइक डायरेक्ट लग जाए, जैसे एसजे कैम वगैरह में होता है। तो यहाँ पर ये हाउसिंग उलांजा कंपनी की कोई हाउसिंग है ये, इसमें ये कैमरा देखो ऐसे करके चला जाता है, ऐसे ये डायरेक्ट चला गया, और यहाँ से ये, और यहाँ से ये इसका कवर लग जाता है ऐसे करके, नाइस एंड टाइट। अब क्या है, हमें माइक को भी तो सेट करना है, तो उसके लिए ये ऐसे से माइक आते हैं, सस्ते से माइक होते हैं, कोई ज़्यादा बड़े माइक नहीं होते। आपको इसका ये वाला, ये जो क्लिप है ये निकाल देना है माइक में से। ये वाला क्लिप निकालने के बाद आपके पास माइक बचता है इतना सा। अब ये आपको ना छुपाना है हेलमेट में। अब ये हेलमेट में यहाँ की तरफ छुपाओ, यहाँ की तरफ छुपाओ, या मुंह के बिल्कुल पास रखो, या मुंह से दूर रखो, क्योंकि बिल्कुल मुंह के पास रखने से ना हवा भी आ जाती है, तो जो आप बोलोगे सांस लोगे उसकी भी साउंड आएगी। तो हम माइक को क्या करते हैं फिर, जब ऐसा वाला हेलमेट का सेटअप कर रहे होते हैं तो ये जो पैडिंग्स होती है ना इसके अंदर छुपा देते हैं वायरिंग्स, ये पैडिंग्स के अंदर वायरिंग छुप जाती हैं, चिपका दो इसको। ये देखो जैसे कि ये यहाँ से इसमें इतना स्पेस है, यहाँ पर छुप जाएगी, ठीक है। तो ये पैडिंग निकल भी सकती हैं कुछ हेलमेट्स में, जैसे इसके अंदर निकल सकती है, इसको निकालो और धो दो, तो ये वाला जो हिस्सा है देखो यहाँ पे ये वायर आ जाती है, पता भी नहीं चलता किसी को। अब मैं इसको पहन के दिखाता हूँ।